नमस्कारम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद किली में। आज मैं आपके साथ पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दूध वैसे ही दोपहर में पड़ा रहा था बाहर, जब अचानक से बाहर जाना हुआ तो गर्म किया तो इस तरह से फट गया, तो सोचा कि क्यों ना पनीर ही बनाया जाए इसका। तो हम इसका पनीर बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने दूध को इस तरह से गर्म कर लिया है, फिर थोड़ा सा ठंडा करके उसमें मैंने आधा नींबू निचोड़ दिया है। नींबू निचोड़ने के बाद थोड़ा सा हम चम्मच से इसे चला लेंगे। धीरे धीरे इसमें दूध बहुत ही ज़्यादा फट जाएगा और एकदम से इसमें दही जैसे बड़े बड़े लंप आपको दिखने मिलेंगे। थोड़ा सा और चला लेंगे। दूध में अब ग्रीन कलर का पानी आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि दूध पूरी तरह से फट चुका है। इस दही की तरह ही इसमें बड़े बड़े लंप आपको कर्ड के दिखने लगेंगे। यह एक बीज नींबू से निकल गया था तो इसको हम हटा देते हैं। तो अब हमारा जो पनीर है वो बनके तैयार हो चुका है, बस इसे अब छानना ही है। तो इसको अब हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद एक बर्तन हम लेंगे, बर्तन में छन्नी रख देंगे। छन्नी के ऊपर हम मलमल का इस तरह से कपड़ा रख देंगे। इसके ऊपर हमने जो पनीर बनाया है वो डाल देंगे, जिससे पानी है वो पूरा बर्तन में नीचे निकल जाएगा। इस तरह से हमें छान लेना है। सभी किनारों को मिलाकर हमें थोड़ा थोड़ा दबाकर जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेना है। इस तरह से धीरे धीरे जितना एक्स्ट्रा पानी है वो दबाने से निकल जाएगा। फिर भी हमें पानी निकालना है तो इसे हम गांठ लगाकर 5-6 घंटों के लिए टांग देंगे। इस तरह से 5-6 घंटे होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा पनीर बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको काट लेंगे। पनीर की कोई भी आप पंजाबी सब्ज़ी बना सकते हैं, पनीर को आप कोई भी सब्ज़ी में डाल सकते हैं, इससे सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा बढ़ जाएगा। इस तरह से काट लेंगे। एकदम सॉफ्ट पनीर बनके तैयार हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो की रेसिपी आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।